हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है रेहान। सो दोस्तों, 15 अगस्त को हमारे देश में बहुत धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाया गया और इसी मौके पे हर घर झंडे का तिरंगे ने और चार गुना खुशियां बढ़ा दी। दोस्तों, हर घर पे तिरंगा देख के दिल खुश हो गया। तो दोस्तों, इसी अमृत महोत्सव एंड 15 अगस्त के मौके पे जी न्यूज ने एक सवाल पूछा था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। जी न्यूज का सवाल था दोस्तों, पिछले 75 साल में सबसे लोकप्रिय फिल्म इंडिया की कौन सी है। तो दोस्तों, रिजल्ट सुन के अंधभक्तों के तो दोस्तों जरूर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उनके चैनल पे इस तरीके का रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, पिछले 75 साल में सबसे बड़ी लोकप्रिय फिल्म इंडिया की रही DDLJ। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की दिल दुल्हनिया ले जाएंगे। दोस्तों, इस फिल्म को टोटल 18% वोट मिले और इसके साथ में ये नंबर 1 पे फिल्म है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पे रही थी 15% वोट के साथ शोले एंड मुगले आजम। इन दोनों फिल्मों को दोस्तों 15% वोट मिले और इसी के साथ ये दोनों फिल्में दूसरे नंबर पर रही। एंड तीसरे नंबर पर रही आमिर खान की फिल्म लगान, जिसे टोटल 13% वोट मिले। और दोस्तों, इसी के साथ चौथे नंबर पर रही फिल्म मदर इंडिया एंड तेजा, जिसे टोटल 11% वोट मिले। तो दोस्तों, ये रहा वो रिजल्ट जिसका सवाल जी न्यूज ने पूछा था। एंड खुद जी न्यूज भी बहुत चक्कर रह गया हुआ इस रिजल्ट को देख करके कि आखिर कैसे शाहरुख खान फिल्म DDLJ आज भी नंबर 1 पे बनी हुई है। तो दोस्तों, शाहरुख खान से पहले बहुत सारे सुपरस्टार आए और गए, एंड शाहरुख खान के बाद भी बहुत से सुपरस्टार्स आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो काम शाहरुख खान ने किया है वो ना ही तो कभी कोई स्टार कर पाया था और ना ही कभी कर पाएगा। उनके जो अचीवमेंट है, उनका जो स्टारडम है, ना ही पहले कभी किसी स्टार के पास था और ना ही उनके बाद किसी स्टार के पास होगा। और इन्हीं वजह से शाहरुख खान को दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कहते हैं, इसीलिए उन्हें किंग ऑफ बॉलीवुड कहते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या टेक है शाहरुख खान की अचीवमेंट पे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। और अगर आप शाहरुख खान के डाई हार्ट फैन हैं मेरी तरह, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलेंगे जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।